आज लखनऊ में पुलिस मुख्यालय के ओविन ऑडिटोरियम में कुंभ सेवा मेडल वितरण समारोह सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। दोपहर 3:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। इसमें कुंभ मेडल अलंकरण, कुंभ पुस्तक विमोचन, कुंभ स्टडी पर व्याख्यान, उत्तर प्रदेश पुलिस गीत सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हमीरपुर में मनाए जा रहे यूपी दिवस में शामिल होने केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति यहां पहुंची। उन्होंने कार्यक्रम में भाग लेते हुए अच्छा कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। सीएए को जरूरी बताते हुए उन्होंने प्रदर्शनों को उन्होंने विरोधियों की साजिश बताया। साध्वी निरंजन ज्योति ने गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव से सीएए पर बहस करने की बात कही थी। बलिया में 27 जनवरी को गंगा यात्रा की तैयारी का जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। गंगा यात्रा के दौरान नौकायान प्रतियोगिता भी होगी। यात्रा का शुभारंभ भी जल मार्ग से ही होना है, इसलिए अधिकारियों ने नदी में नाव से भ्रमण कर तैयारियों को देखा। जिलाधिकारी ने आवश्यकता अनुसार तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। लखनऊ में गणतंत्र दिवस को लेकर मॉक ड्रिल के जरिए सुरक्षा व्यवस्था परखी गई। चारबाग रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल की गई। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर लावारिस बैग की सूचना पर रेलवे पुलिस एक्शन में आई। इस दौरान प्लेटफॉर्म और गाड़ियों को यात्रियों से खाली कर बैग चेक किया गया। इसमें ब्लूटूथ स्पीकर मिलने पर अधिकारियों ने राहत की सांस ली। वहीं मॉक ड्रिल के दौरान यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। झांसी में 26 जनवरी को किसी भी आतंकवादी गतिविधि और अनहोनी रोकने के संघन चेकिंग अभियान चलाया गया। देश के मुख्य शहरों को रेल मार्ग से जोड़ने वाला यह अहम स्टेशन है झांसी स्टेशन, जिसको देखते हुए झांसी स्टेशन पर झांसी पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी के संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाए। पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड भी शामिल था। सुरक्षा कर्मियों ने संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में सघन चेकिंग का अभियान चलाया। गोरखपुर में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर कोई अप्रिय घटना न हो पाए, इसके लिए गोरखपुर की जिला पुलिस और रेलवे की जीआरपी और आरपीएफ की टीम लगातार रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कार्यक्रम में गोरखपुर पुलिस ने सीओ कैंट की अगुवाई डॉग स्क्वाड, आतंक निरोधी दस्ता, बम स्क्वाड टीम के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे और प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों के साथ उनके सामानों की तलाशी ली। इस दौरान कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। कासगंज में कई दिनों से चल रहे 71वें गणतंत्र दिवस की परेड के लिए रिहर्सल किया जा रहा है। इस दौरान कासगंज के पुलिस अधीक्षक ने फुल रिहर्सल परेड के सलामी का रिहर्सल की। दरअसल कासगंज में हर वर्ष की भांति एक हफ्ता पूर्व से ही सिरो स्थित पुलिस लाइन में परेड का रिहर्सल किया जाता है। इसके बाद 26 जनवरी को जिले के सभी आला अधिकारी, जनमानसन एवं जनप्रतिनिधियों के बीच उसका फाइनल परेड कराई जाती है। इसी के तहत जनपद कासगंज में पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड के दौरान उपस्थित सभी टुकड़ियों का मुआयना किया एवं राष्ट्र के नाम संबोधन भी पढ़ा। आज यूपी दिवस का दूसरा दिन है। आयोजन का दूसरा दिन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को समर्पित रहेगा। इस दिन योगी सरकार अलग अलग विभागों की योजनाओं का लोकार्पण करेगी। शाम को 5:30 से 6:30 बजे तक पंडित रविशंकर म्यूजिकल फाउंडेशन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं कल शाम को यूपी दिवस का समापन हो जाएगा। कासगंज में धूमधाम से उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर जिले के अधिकारियों द्वारा नगर के वारापत्तर मैदान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय बल कन्या दिवस सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अलीगढ़ मंडल के मंडलायुक्त ने किया। कार्यक्रम में हाईस्कूल और इंटर के टॉप करने वाली प्रथम 2 छात्राओं को 10,000 रुपये और शील्ड और प्रमाण पत्र, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के 30 लाभार्थियों को टूल किट, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 10 लाभार्थियों को आवास की चाबी, स्वयं सहायता समूहों को रिलीफिंग फंड के प्रमाण पत्र दिए गए। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की निबंध कविता पोस्टर स्लोगन प्रतियोगिता में विजयी छात्रा को प्रतिपुष्ट पत्र दिए गए। अम्बेडकर नगर में देशभक्ति के रंगारंग कार्यक्रमों के साथ बड़ी धूमधाम से उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया गया। लोहिया बाजवान में आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा विधायक श्रीमती संजू देवी और श्रीमती अनिल कमल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर प्रदेश केंद्र सरकार की तरफ से गरीबों और असहायों के साथ साथ किसानों और उद्यमियों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई। इस कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत योजना सहित कई योजनाओं के पत्र लाभार्थियों को योजना लाभ वितरित किए गए। झांसी में
झांसी महोत्सव का आयोजन होने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी झांसी महोत्सव में कई रंगारंग कार्यक्रम होंगे। महोत्सव में आने वाले लोगों के लिए कई दुकानें और आकर्षक झूले लगाए गए हैं। झांसी के जिलाधिकारी झांसी महोत्सव के प्रचार वाहनों को हरी झंडी देकर रवाना किया। झांसी महोत्सव 25 जनवरी से शुरू होगा और एक हफ्ते तक चलेगा। इस महोत्सव में बुंदेली संस्कृति से जुड़े प्रोग्राम ज्यादा होंगे। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर फतेहपुर के कलेक्ट्रेट गांधी मैदान में कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं से संबंधित लगाए गए स्टालों पर साध्वी निरंजन ज्योति ने निरीक्षण किया। यूपी दिवस कार्यक्रम के अवसर पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन की तरफ से समूह की महिलाओं को 1,62,25,200 का चेक अनुदान के रूप में दिया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों और राष्ट्रीय आजीविका मिशन में अच्छा काम करने वाले समूह को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अमरोहा में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस बड़े जोर शोर से मनाया गया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शनी लगाई गई। लघु उद्योग में काम करने वाले लोगों को कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अमेठी में जा रही सोनिया और प्रियंका पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी की हार से सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। उसी हार की समीक्षा करने रायबरेली में सोनिया और प्रियंका गांधी जा रही हैं। चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जीआरपी और आरपीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। ये एक व्यक्ति के पास से 1,18,00,000 रुपए बरामद हैं। दरअसल चेकिंग के दौरान 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक युवक भारी बैग के साथ दिखा। बैग की तलाशी के बाद पैसे बरामद हुए। यह युवक वाराणसी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जा रहा था। फिलहाल जीआरपी आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। पहली नजर में यह पूरा मामला हवाला का लग रहा है। जीआरपी ने इनकम टैक्स समेत तमाम एजेंसियों को इसकी सूचना दे दी है। आगरा में 3 तलाक का एक और मामला सामने आया है। पहले पति ने पहले दहेज के लिए पत्नी को परेशान किया और फिर तमाम तरह की यातनाएं देने के बाद तलाक दे दिया। वहीं पीड़ित महिला ने अपने पति पर मारपीट करने और प्रताड़ना देने का भी आरोप लगाया है। आगरा में एक हफ्ते में 3 तलाक का यह दूसरा मामला है। वहीं पुलिस का कहना है कि पहले यह मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ की थाना डेली गेट पुलिस ने शातिर ईरानी गैंग के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्त बाप बेटे हैं। ये पुलिस की वर्दी पहनकर सरफरा बाजार और रेलवे स्टेशन पर ज्वेलर्स को तलाशी के नाम पर निशाना बनाते थे। खास बात यह है कि दोनों ईरान के रहने वाले हैं और अब तक ठगी की दर्जनों वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इनके कब्जे से भारी मात्रा में जेवर और 5 लाख की रकम बरामद की गई है। वहीं मेरठ पुलिस ने साइबर सेल के साथ मिलकर लूट, हत्या, डकैती जैसी वारदात को अंजाम देने वाले इंटरस्टेट गिरोह का भी पर्दाफाश किया है। ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में कई जगहों पर बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी पर लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूरे खुलासे पर SSP ने टीम को 25,000 रुपये का इनाम भी दिया। अमरोहा में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि एक ही गांव में घुसकर 5 घरों को निशाना बना डाला। मामला गजरौला इलाके के दरियापुर गांव का है। चोर इन घरों में करीब 5 लाख का सामान उड़ा के ले गए। घटना के बाद यहां के लोग दहशत में हैं। वहीं पुलिस 3 घरों में चोरी की वारदात को मान रही है। वहीं पुलिस ने मामले पर पर्दा डालते हुए गाँव के ही एक युवक पर चोरी का मुकदमा दर्ज किया है। मुरादाबाद में एंटी करप्शन टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जेई को पकड़ा है। पुलिस के एक जूनियर इंजीनियर को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पकड़े गए रिश्वतखोर अफसर का नाम अश्वनी कुमार बताया जा रहा है, जो जल निगम की निर्माण एजेंसी CNDS के पद पर तैनात था। वहीं आरोप है कि अफसर ठेकेदार से रिश्वत मांग रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम कार्रवाई की और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले 303 राइफल को अभी तक उत्तराखंड पुलिस उपयोग में ला रही थी, लेकिन अब जल्द यह रिटायर होने जा रही है। 303 राइफल के बाहर होने के बाद उसकी जगह इंसांस और सिटी पुलिस को रिवॉल्वर और पिस्टल दी जाएगी, जो आधुनिक और सुविधाजनक है। संभल में CAA और NRC के विरोध में 2 दिन से विरोध
धरने पर बैठी महिलाओं को एक बार फिर संबोधन करने पहुंचे संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क। इस मौके पर उन्होंने कि सीए को वापस ले सरकार, सीए के बाद देश में एनआरसी लाना चाहती है। धरने पर कई छोटी छोटी बच्चियों ने राष्ट्रगान गाया। राज्य में चल रहे सीए के प्रदर्शनों पर पुलिस की पैनी नजर है। डीजी अशोक कुमार ने सभी जिलों के एसएसपी एसपी और को सख्त निर्देश दिया है और कहा है कि प्रदर्शनियों में कोई उग्रता देखने को मिली तो कठोर कार्रवाई की जाए। डीजी अशोक कुमार का कहना है कि राज्य का माहौल खराब करने के लिए कुछ शरारती तत्व हल्द्वानी में पहुंचे हैं। नैनीताल एसएसपी मामले की जांच कर रहे हैं। नागरिकता कानून को लेकर हल्द्वानी में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदेश खुलकर सामने आए। आगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब इंदिरा हृदेश से सवाल किया कि इंदिरा बताए कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रही है या हिंदुस्तान की, इस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को करारा जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदेश ने ये कहा कि इस प्रदेश में मुख्यमंत्री से उन्हें देशभक्ति की भाषा नहीं सीखनी है। सीएए के खिलाफ पिछले तीन दिनों से हल्द्वानी में चल रहा मुस्लिम महिलाओं का धरना समाप्त हो गया है। सीएए कानून को लेकर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया और उसके बाद राष्ट्रगान गाकर अपना धरना समाप्त किया। सीएए के खिलाफ धरने पर बैठे महिलाओं के घर चले जाने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। हालांकि एसएसपी का कहना है कि एहतियात के रूप में अभी पुलिस फोर्स बन भुलरपुरा क्षेत्र में तैनात रहेगी और 27, 28 और 29 जनवरी को फिर से मुस्लिम समुदाय द्वारा धरने की बात कही गई है, उसको देखते हुए भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम पहले से किए गए हैं। पंचायत स्तर पर फैल रहे भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी विधायक अजीत कुमार राजू ने सीएम से शिकायत की है। गुन्नौर और बीजेपी विधायक अजीत ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बनाए जा रहे शौचालय निर्माण के अधिकारियों पर धांधली का आरोप लगाया है। विधायक ने सीएम योगी के जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी सवाल उठाए हैं। फिलहाल शिकायत पर ज्ञापन लेते हुए मामले की जांच डीपीआरओ को सौंप दी गई है। चंदौली में गणतंत्र दिवस से लेकर एसपी चंदौली ने पुलिस फोर्स के साथ यूपी बिहार बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिहार से यूपी आने वाले गाड़ियों की सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान पुलिस बिहार से यूपी आ रही बस में एक क्विंटल गांजा के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा एक कार के बैग में 15 किलो चांदी के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। गाजीपुर में एनएच के फतेहउल्ला गांव के पास दुर्घटना से नाराज ग्रामीणों ने दो ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। दरअसल ट्रक की चपेट में आने से एक स्थानीय व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने अनाज से लदे ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी होते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। फतेहपुर में तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक टैंकर समेत मौके से फरार हो गया। मृतक बलेहुल गांव का रहने वाला था। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में बीज भंडार की दुकान में आग लग गई जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। यूपी के कौशाम्बी में धूप सेक रहे दंपत्ति पर एक पक्की दीवार भरभराकर गिर गई। इस हादसे में नीचे दबकर तीन लोग जख्मी हो गए। दीवार गिरने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचकर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक बच्ची की हालत को नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने बच्ची को प्रयागराज रेफर कर दिया। कैराना में रहने वाले मोहम्मद अली नाम के एक व्यक्ति ने विधायक नाहिद हसन सहित 9 लोगों पर जमीन के मामले में 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में कैराना फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विधायक को 7 दिन की अग्रिम जमानत पर सुनवाई के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जालौन में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर भी जानलेवा हमला करने से नहीं चूक रहे। ताजा मामला जालौन के माधवगढ़ कोतवाली इलाके का है, जहां एसडीएम को सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश से ओवरलोड बालू के ट्रक निकाले जा रहे हैं। सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीएम ने बालू के ट्रक को रोककर चेक करना चाहा, लेकिन
एसडीएम की गाड़ी को देख ट्रक चालक ने गाड़ी तेज कर दी और उनकी गाड़ी पर टक्कर मार दी, जिससे जिला अधीक्षक बाल बाल बच गए लेकिन उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक को तो पकड़ लिया लेकिन ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बुलंदशहर खुद पर मिट्टी का तेल छिड़ककर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच गया युवक। युवक ने शरीर पर मिट्टी का तेल देख पुलिस और प्रशासन के होश उड़ गए। युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल युवक चोरी हुई कार बरामद नहीं होने से खफा है। पीड़ित युवक का कहना है कि कार चुराने वाले चोर को पुलिस पहचानती है लेकिन पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बुलंदशहर नगर के कलेक्ट्रेट डीएम दफ्तर के बाहर की घटना बताई जा रही है। कानपुर में बेटी को भतीजे संग आपत्तिजनक हालत में देखकर चाचा ने अपने बेटे के साथ मिलकर भतीजे की हत्या कर दी। कई दिन घर से लापता युवक का शव गांव में ही एक खेत में नग्न अवस्था में मिला। हत्या युवक के पेट से गला कसकर की गई है। मामले में पुलिस ने छानबीन के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल युवक का अपनी चचेरी बहन से ही लंबे समय से गलत संबंध था, जिससे नाराज लड़की के पिता ने अपने बेटे के साथ मिलकर भतीजे की हत्या कर दी। संभल में पुलिस वर्दी पहन टेम्पो चलाकों का धमकी देता नजर आया। सिरफिरी खाकी जैकेट पैंट और कैप पहना पुलिसकर्मी बना सिरफिरा। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में जिला अधिकारी के निर्देश पर जिले के इन दोनों भू माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अब तक 173 भू माफियाओं को चिन्हित कर FIR दर्ज करने का काम किया गया। जिला अधिकारी के निर्देश में शहर कोतवाली क्षेत्र की शिक्षा विभाग की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हुए भू माफियाओं पर FIR दर्ज की गई है। दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में अब तक 3 FIR दर्ज की गई है। सुल्तानपुर जिले की नगर कोतवाली पुलिस और स्क्वाड टीम ने 10,000 के इनामी बदमाश को एक अवैध तमंचा और 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि कोतवाली देहात का रहने वाला बदमाश पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था और काफी दिनों से पुलिस इसकी तलाशी ले रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक अवैध तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। अपराध और लूट हत्या जैसे प्रयास के कई संगीन मामले इस पर लगे हैं। कानपुर में शिक्षिका की प्रेमी के घर हालत बिगड़ गई। प्रेमी ने घटना की जानकारी अपने पिता को दी। प्रेमी का पिता जब शिक्षिका को लेकर अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी पर अस्पताल पहुंचे शिक्षिका के पिता ने प्रेमी पर बेटी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने प्रेमी और उसके पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। उत्तरकाशी सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत उत्तरकाशी वन प्रभाग की ओर से ऑडिटोरियम हॉल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वनिग्र नियंत्रण में वन विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भागीदारी बनने वाले 14 वन पंचायतों को गंगोत्री विधायक गोपाल रावत द्वारा प्रशासित पत्र देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम और नाबार्ड वित्त पोषण योजना से बहुप्रतीक्षित ढिवाला गांव पेयजल योजना और खिरसू में तैयार होम स्टे योजना का उद्घाटन आज खिरसू में किया जाएगा, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्य मंत्री धन सिंह रावत, सांसद तीरथ सिंह रावत एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत सहित कई नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। योजना के तहत 27 ग्राम सभाओं के 73 राजस्व गांवों की जनता को 6 साल बाद पीने का पानी मुहैया हो सकेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के चयनित ब्लॉकों में पलायन पर केंद्रित विषय योजना संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने माइग्रेशन मिटिगेशन फंड स्थापित करने और 1 माह में सभी विभाग को पलायन रोकने के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भू अभिलेखों में महिलाओं का नाम भी दर्ज किए जाने चाहिए, व्यवस्था की जाए। उन्होंने इको टूरिज्म पॉलिसी जल्द से जल्द बनाने के लिए भी कहा। पिथौरागढ़ में भाजपा ने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। जिला संगठन प्रभारी कैलाश शर्मा की मौजूदगी में आज सभी मंडलों का गठन किया गया, साथ ही कार्यकर्ताओं के बीच जिम्मेदारियों का भी बंटवारा किया गया। इसके अलावा जिले के 17 मंडलों की कार्य समिति का भी गठन किया गया। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी जल्द घोषित होने जा रही है। दिल्ली में कार्यकारिणी को अंतिम रूप दिया गया। कार्यकारिणी छोटी होगी और मुख्य कार्यकारिणी का आकार
50 तक सीमित रह सकता है। वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को बतौर सलाहकार आमंत्रित सदस्यों के रूप में जगह मिलेगी। इन्हें मिलाकर कार्यकारिणी के कुल सदस्य संख्या 80 तक पहुंच सकती है। यह तकरीबन साफ हो चुका है कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आकार बड़ा नहीं होगा, इससे उत्तर प्रदेश की तर्ज पर छोटा ही रखा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने हाईकमान के निर्देश पर प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की मौजूदगी में कार्यकारिणी को लेकर खासी मशक्कत की है। उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग की तरफ से टिहरी के जिला पंचायत सभागार में एक जिला स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जनपदीय पदाविहित अधिकारियों और अपीलीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में सेवा के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन, सेवा आवेदनों का निवृत्त जन सम्मान को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के विषय में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही पर जोर दिया गया। कार्यशाला में पहुंचे आयोग के प्रभारी मुख्य आयुक्त DS गर्भवाल ने कहा कि आयोग का मकसद इस अधिकार के तहत नागरिकों को संभलता, सरलता और बिना किसी भेदभाव के सेवाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ट्विटर अकाउंट से छेड़छाड़ करने को लेकर मुख्यमंत्री आवास के कैंट थाने के दी गई सूचना पर DIG अरुण मोहन जोशी ने जांच के आदेश दिए हैं। मामला अभी अज्ञात है, अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ है, जिस पर पुलिस जांच में जुट गई है। साथ ही जो भी दोषी पाया गया उस पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश DIG ने दिए हैं। आपको बता दें, यह पहला मामला नहीं है जिसमें सोशल अकाउंट हैक हुआ हो। पिछले 3 माह में पहले मंत्री मदन किशोर का भी हैकरों के द्वारा फेसबुक अकाउंट हैक किया गया था, जिस पर अभी तक पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि बंद विद्यालयों का उपयोग ट्रैकिंग रूम और यात्रा रूट के लिए होम स्टे के रूप में किया जाएगा। यह प्रस्ताव संपूर्ण प्रदेश में पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। सतपाल महाराज ने कहा कि जहां अध्यापकों की कमी है, उन स्कूलों में गेस्ट टीचर्स के माध्यम से अभाव की पूर्ति की जाए एवं फर्नीचर, पेयजल एवं रसोई घर के लिए आवश्यक धनराशि का प्रबंध किया जाए। ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में बिजली की बचत को लेकर सरकार गंभीर है। पहले व्यावसायिक सोलर स्कीम, उसके बाद घरेलू उपभोक्ताओं को लेकर राज्य सरकार ने सोलर स्कीम को जांच किया। वहीं अब त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार जल्द ही किसानों को लेकर भी सोलर स्कीम शुरू करने जा रही है। सचिव ऊर्जा राधिका झा का कहना है कि सरकार बिजली की बचत को लेकर गंभीर है, जिसको देखते हुए एक के बाद एक सोलर स्कीम की शुरुआत राज्यों में की गई है। वहीं अब किसानों के लिए सरकार स्कीम लेकर आ रही है, जिसमें बिजली और डीजल से चलने वाले पानी के पंप को सोलर से जोड़ा जाएगा। रुड़की नगर निगम एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। इस बार निगम अधिकारियों पर एक दर्जन नालों की सफाई के मामले में 67 लाख के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता द्वारा जब इसकी शिकायत की गई, उच्च अधिकारियों ने आनन फानन में इसकी जांच निगम अधिकारियों को सौंप दी, लेकिन आज तक भी ये जांच ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। आरोप है कि एक भाजपा नेता की पत्नी को फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर टेंडर जारी कर दिया गया। सरकार ने गन्ना किसानों को गन्ने का पिछला भुगतान करने के साथ ही भविष्य की परेशानियों को भी दूर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि गन्ना किसानों का भुगतान समय पर हो, इसके लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। गन्ना किसानों को उनकी मेहनत का प्रतिवर्ष 200 से 250 करोड़ देना होता है। ऐसे में सरकार ने अब एथनॉल प्लांट लगाने का निर्णय लिया है, जिसका जल्द ही प्रेजेंटेशन देखा जाएगा और उसको मंजूरी दी जाएगी। उत्तराखंड सचिवालय में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा स्वच्छता को लेकर कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें बेहतर कार्य हो रहा है। राज्य सरकार भी अपनी तरफ से गंगा स्वच्छता को लेकर गंभीर है। गंगा को लेकर जितने कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें कुछ जागरूकता आया है, आपको उसको लेकर सरकार गंभीर है। गंगा किनारे सफाई और खेती के केमिकल का इस्तेमाल न करने को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।